सी एक्सरसाइज 2.7 इससे पहले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट किया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है सबसे पहले 2.7 डिवाइडेड बाय 1000। 2.7 को डिवाइड करना है किससे से 1000 से डिवाइड करना है। इसे हम चेक किए थे, क्या चेक किए थे डिवाइड करना, ये चेक किए थे कि ये 0.30 से डिवाइड होता है, पॉइंट का अगर एक डिजिट नीचे चले जाते हैं या इसका रूप हम इस तरीके से देखते हैं। 2.7 है, 8.7 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि 10 पर प्लेस वैल्यू का पार्ट डेसिमल लगा हुआ है तो 27 अपॉन 10 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय 1000 से हम करेंगे 1। इस तरीके से पिछली बार में कर रहे थे, क्या होगा 27 अपॉन 10 डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 होता जाएगा 1000 नीचे आएगा। अब क्या होगा 27 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 30, ये क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा और नीचे हमारा 30 आ जाएगा। 30 से डिवाइड हो जाएगा यानी 1000 पर हमारी बेस वैल्यू लग जाएगी ये 100 का हुआ है और 0 लेते हैं, अब ये कहाँ लगता है 1000 पर हमारा पार्ट लग जाएगा मिल जाएगा 0.027 1000 के पहले पर हमारी पॉइंट लगी हुई है। आई बात हमने दो डिजिट की यहाँ से एक और डिजिट बना डिक्लेयर करनी है 0 के लिए, ये हो जाएगा 0.027 जैसा कि पिछले क्लास में हम देख रहे थे। अब इसमें डायरेक्ट चले जाएगा, देखिए 30 से डिवाइड है तो 30 से जब डिवाइड होगा पॉइंट को आपको क्या करना है 3 डिजिट पीछे लेकर चले जाना है। कितने डिजिट पीछे लेकर जाना है 3 डिजिट पीछे लेकर जाना है। सॉरी 3 0 ये है और 1 0 ये मिलकर हो जाएगा कितना 4 0 यानी 10000। तो 10000 कैसे होगा, चौके प्लेस वैल्यू पर आएगा ये 2, ये अभी हमारा 100 का अब ये हुआ 10000 10000.0027 आ जाएगा क्योंकि नीचे कितना जीरो आएगा ऊपर 4। अब देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, आपको करना है चाहे 3 0 से डिवाइड है पॉइंट को कितने डिजिट लेकर जाना है पीछे 3 डिजिट, एक डिजिट ये होगी एक और जीरो लगा दीजिए 2 हो जाएगा ऊपर लिखिए, एक डिजिट हुई एक जीरो लगा दीजिए 2 डिजिट हो जाएगी, फिर एक जीरो लगा दीजिए 1 डिजिट हो जाएगी, फिर एक डिजिट लगा दीजिए 4, 4 डिजिट होगी 4 डिजिट के बाद जब आप पॉइंट लगा दिए यही आप लगा रहे हैं। आई बात हमने जैसे अगले क्वेश्चन को हम इसी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे 4 को लेते हैं, 4 की कितना लिखा हुआ है 432.6 डिवाइडेड बाय 100, कितने से 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करने के लिए इनमें कितना जीरो है 2 0 है, इस पॉइंट में कितने डिजिट हम लेकर जाएंगे 2 डिजिट पीछे लेकर जाएंगे, एक डिजिट ये 2 डिजिट ये, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4.326 चार एक इसका आंसर आ जाएगा 4.326। जैसे अच्छा इसमें सारा 100 से, तो 100 से बात करना आप किस तरीके से 100 से करेंगे, ये भी हमारा 103 से था, जब 100 से था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंडेंस एक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फाइंड करना है, सबसे पहले वैल्यू क्या है 7.9 इसे डिवाइड करना है कितने से 1000 का मतलब 3 0 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट बात हो जाएगी कितना जीरो 3 0 है तो 3 डिजिट पॉइंट हमारे कहाँ चले जाएगी पीछे, जैसे यहाँ पर भी हमारे पॉइंट है यही से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहली होगी उसके बाद एक और जीरो लेंगे 2 होगा, एक और जीरो लेंगे 3 होगा, यानी इसके बाद यहाँ पर लगेगा यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7005,
ठीक है, ये पहले भी यूनिट दो और ये तीन यानी दो जीरो के बाद हमारे पैंट देता है कि हमारा आंसर हो जाए। एक और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, 38.53 डिवाइडेड बाय 1000 क्या है 1000, कैसे निकल कर क्या है 3 जीरो है तो हमें क्या करना है पॉइंट को डेसिमल को हमें 3 डिजिट पीछे लेकर जाना है। 3 डिजिट कैसे जाएगी, 1 डिजिट ये होगी, 2 डिजिट ये होगी और एक और हम क्या लगा देंगे 1 जीरो लगा देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा यानी आंसर हमारा आ जाएगा 0.0385 ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी जहाँ पर भी पॉइंट हो तो वहीं से आपको क्या करना है काउंटिंग स्टार्ट करना है, अगर यहाँ पर उसी पॉइंट ये पहले ठीक है इस तरीके से। अब आप समझ लीजिए, अगर 1 जीरो होगा तो पॉइंट को 1 डिजिट पीछे निकल जाएंगे, 2 जीरो होगा तो 2 डिजिट पीछे निकल जाएंगे, 3 जीरो होगा तो 3 डिजिट पीछे निकल जाएंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पर पॉइंट होगी उसी के बाद पहले डिजिट हमारी है, ठीक है। तो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 7 को डिवाइड करना है कितने से 3.5, 7 को डिवाइड करना है 3.5। तो देखिए ये हो जाएगा 7/3.5, क्या हो जाएगा 7/3.5। अब डिनोमिनेटर में क्या है पॉइंट है, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, खत्म करने का मतलब इसे 1 डिजिट आगे लेकर जाना है, तो आगे ले जाने के लिए 1 जीरो से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/3.5 में ऊपर 17 से और नीचे 17 से करेंगे आपका हो जाएगा ऊपर 70 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 35। तो आप क्या आ जाएगा 35 × 35 = 70, यानी आंसर हो जाएगा 2/1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3.25/0.5, देखिए 3.25/0.5, इस डिवाइड को इस सिंबल से भी हम लगाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को क्या करना है, यहां से खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके आगे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हमें इस पॉइंट को क्या करना है 1 डिजिट आगे कर देना है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगा 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 32.5/5, इस 5 का जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, आप पहले जान चुके हैं, यानी 32.5/5, तो बताइए कितना हो जाएगा। पॉइंट को भी अगर हम पॉइंट को भी आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर 1 जीरो से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको हो जाएगा 3/5/50, कितना आ जाएगा 325/50, या यहीं से आप 32.5/5 से क्या कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 5 से उधर ही आपको हो जाएगा 30 बचेगा कितना 2, उसके बाद पॉइंट है आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे 5 5 5 का
25 प्लस का कितना आंसर कितना आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अपने पॉइंट को हटा कर करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है। कैसे, इसमें एक यहाँ से पॉइंट उठा करना है, एक डिजिट आगे कर जाना है, तो एक डिजिट का मतलब टेन से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हमारे घट जाएंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। तो आप इसी तरीके से करिए, इसे आप क्या कर लीजिए यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 32.5 को, 5 से आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में 0.5 इसे डिवाइड करना है कितने से, 0.25, यानी ये हो जाएगा 0.5/0.25 हो जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, देखिए दो डिजिट पहले पॉइंट है तो दो डिजिट आगे लेकर जाना है, तो ऊपर की दो डिजिट आगे आएगी, एक जीरो बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5/0.25। नीचे भी दो डिजिट आगे गई है पॉइंट और ऊपर भी दो डिजिट आगे गई, यानी पॉइंट खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 50/25। 25/25 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/1, यानी ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हीकल कवर डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इनटू 0.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहे हैं व्हीकल है, गाड़ी है जो 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। अब आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस, हमसे हमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले कितने लीटर पेट्रोल दिया हुआ है 2.4, तो लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल तो डिस्टेंस कितना कवर करता है 43.2 किलोमीटर, इतनी दूरी जाती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। हमसे कितना पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए तो यहां पर कितना लीटर पेट्रोल दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी। तो ऐसे में करेंगे क्या, जब ज्यादा वैल्यू दी होगी, एक की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, यानी 43.2 जो लिखा होगा उसमें 2.4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 43.2/2.4, ये हो जाएगा इसी को हम डेसिमल हटा कर देखेंगे तो ये हो जाएगा 432/24 आ जाएगा। अब 432/24 जो आया वो इसे आप लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, या काटना हो तो काट भी सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4×4=0, 4×4=32, या अगर आपको 108/6 कट जाएगा 68 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है तो कितना आएगा किलोमीटर, ये कितना लिखा हुआ है 68 किलोमीटर, कितने आ जाएगा डिस्टेंस 68 किलोमीटर। ये हमारी एक्सरसाइज का